लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दिल का डॉक्टर चाहिए, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया। दिल का डॉक्टर लाइए, मेरा ब्लड प्रेशर देखो चढ़ गया। थक 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 दिल डोले, लव 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 ये बोले। थक 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 दिल डोले, लव 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 ये बोले। जल्दी से जाके ले आ मेरे दिल का डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर दिल का डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर दिल का डॉक्टर। दिल के मारो दिल ना हारो, दिल का डॉक्टर आ गया। दिल के मारो दिल ना हारो, दिल का डॉक्टर आ गया। अरे ये है वो अलबेला डॉक्टर जो दुनिया पे छा गया। इनके जैसा लंदन में भी मिले ना दिल का डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर दिल का डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर दिल का डॉक्टर। देखो मैं तो शायर हूँ, इश्क मैं तो फायर हूँ। दिल का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर दिल का डॉक्टर। दिल का डॉक्टर चाहिए, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया। दिल का डॉक्टर लाइए, मेरा ब्लड प्रेशर देखो चढ़ गया। थक 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 दिल डोले, लव 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 ये बोले। जल्दी से जाके ले आ मेरे दिल का डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर दिल का डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर दिल का तुम यही ठहरो, मैं आता हूं। जी साहब। ठहरियो। नाम? दीवाना। बीमारी? इश्क। तालियो। मिस्टर रघु, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपके दिल का इलाज हो चुका है, अब आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं, समझे? अरे क्या इलाज हुआ है, असली बीमारी तो इलाज होने के बाद शुरू हुई है। सच कोमल, 2400 घंटे आंखों में सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर घूमती रहती है, कानों में सिर्फ तुम्हारी आवाज गूंजती रहती है। कोमल आई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे सिस्टर कहा करो। सिस्टर? सिस्टर तो तुम दूसरे मरीजों की होगी, मेरे लिए तो तुम स्वीट स्वीट कोमल हो। कोमल, दिल हो रहा है बेताब, कहीं बाहर चलकर इसे मना ले। मिस्टर रघु, बिहेव योरसेल्फ, आई एम ऑन ड्यूटी। ड्यूटी? ड्यूटी की तो सिर्फ एक ही ड्यूटी होती है, रोमांस, इश्क, प्यार। मैं अभी डॉक्टर के पास जाकर तुम्हें बाहर ले जाने की इजाजत लेके आता हूँ। ठालियो। मिस्टर रघु, अंदर मत जाइए, आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन डॉक्टर मरीजों को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। गुड मॉर्निंग। Ha 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 ha!
अटैक, डॉक्टर डॉक्टर, तीन नंबर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी किसी पेशेंट की दिल की धड़कन नॉर्मल से कम या ज्यादा होती है तो उसके बेड के ऊपर का बल्ब अपने आप ऑन ऑफ होने लगता है और कंट्रोल रूम में इमरजेंसी सायरन बजता है, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि उसकी हालत क्या है। ओके, अब यू कैन रिलैक्स। ओके, आजकल क्या हो गया है तुम्हें? बहुत इंतजार करवाते हो। शाम से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे स्वर्ग में ही मिलना। I love you, Dils. Heart specialist. Thank you. आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाले ने इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे खूबसूरत चीज क्या बनाई है? कुछ लोग कहते हैं ये जमीन या आसमान, चांद सूरज सितारे, और कुछ लोगों का कहना है ये कलकल बहती नदियां, ये आसमान को छूती पहाड़ों की चोटियां, ये सरसर चलती हवाएं और हवाओं को महकाते हुए ये रंग बिरंगे फूल। पर सच्चाई तो यह है कि ऊपर वाले ने जो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज बनाई है वो है इंसान, और इंसान में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है उसका दिल। ये दिल जो धड़कता है तो जिंदगी धड़कती है, मचलता है तो कायनात मचलती है, और अगर दिल रुक जाता है तो जिंदगी रुक जाती है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे पूरे संसार में, पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में, इसीलिए जितने भी गाने लिखे गए हैं सबसे ज्यादा दिल पर हैं। दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है मेरा। दिल का भंवर करे पुकार, माय हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग। दिल देखे देखो, दिल देखे देखो, दिल एक मंदिर है प्यार की जिसमें होती है पूजा। और एक शायर है मिस्टर बुले शाह, मिस्टर बुले शाह ने दिल के जज्बात को, दिल की गहराई को दो पंक्तियों में निचोड़ कर रख दिया कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिलबर रहता। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए ये दिल धड़कता रहे, मचलता रहे, सोचता रहे, ऊपर वाले ने मुझ जैसा एक जीव बनाया और उसका नाम रख दिया दिल का डॉक्टर। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Doctor, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त. Congratulations. Thank you very much. Congratulations. Thank you, please. कहिए. आप दिल के डॉक्टर हैं ना? जी हाँ. तो मेरा भी इलाज कर दीजिए ना, मुझे भी दिल की बीमारी हो गई है। आपको दिल की बीमारी? आपको जरूर गलतफहमी हुई है, औरतों को दिल की बीमारी नहीं हो सकती है, और आपकी उम्र में तो कतई नहीं। मिस डॉली, आपकी उम्र में बीमारी बिल्कुल नहीं होती। नहीं डॉक्टर साहब,
मेरे ख्याल में तो ये बीमारी औरतों में ही ज्यादा होती है और मेरे उम्र में और भी ज्यादा होती है। Anyway, if you insist, आप मुझे बताइए आपको हुआ क्या है, आपको ऐसा क्या महसूस होता है जिससे आपको लगता है कि आपको दिल की बीमारी है? डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले ही मैंने उन्हें पहली बार देखा और तब से वही वो दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं की आवाज सुनाई पड़ रही है। By the way, आपने अपनी आंखें और कान तो चेक कराए हैं ना? डॉक्टर साहब, you know what I mean? I'm just joking. मैं आपकी बीमारी समझ गया। इस बीमारी को LOVE, love, यानी मोहब्बत कहते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या, उसे मिल लीजिए और उसे जाकर कह दीजिए। अगर वो तब भी ना समझे तो फिर उससे साफ साफ कह दीजिए that I love you. I love you. Correct. Okay. Easy. अगर वो इस पर भी ना समझे तो Then he must be an idiot. वो जरूर कोई बेवकूफ होगा। तो फिर ऐसे बेवकूफ को किस तरह समझाया जाए? उसको पकड़ के एंड maybe you should kiss him. Really? Yeah. No. मत दे। हेलो। जन्मदिन था। थैंक यू। थैंक यू। I love you. Oh, so sweet. आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी तेरे द्वारे, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके। ए जोकर, नीचे बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ चलो उठो। अच्छा आप नीचे बैठेंगे क्या? शट अप। आप मुझे अंग्रेजी में ऐसे डांटिए मत, वरना मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे आपके नल की तरह। नल की तरह? हाँ, वो नीचे वाले साहब के बाथरूम में पानी टपक रहा है, टप टपा टप टप। आपके नल को चेक करने का है, मैं प्लम्बर हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। आ जाते हैं आधी रात को। वो रहा बाथरूम, अभी जाता हूँ। गॉड, आपसे बहुत जरूरी काम है सर। मैडम, यहाँ तो सब नल चल रहे हैं और पानी वहीं टपक रहा है। अच्छा फिर ठीक है, फिर वो बाथरूम चेक कर लो। वहाँ भी बाथरूम है? फिर क्या, बहुत बाथरूम है आपके। वाह वाह मैडम, कमाल का घर है आपका। वाह वाह, जवाब नहीं है आपके घर का। पागल, इडियट, धोखेबाज। अरे अरे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे लेकिन मैडम, मैंने किया क्या है? क्या? मैं तो आपके नीचे वाले साहब ने कहा ऊपर आ गया, मैं नल बना के अभी आया हूँ, टपकता था बिल्कुल बंद हो गया है। देखिए देखिए, मैं बहुत शरीफ प्लम्बर हूँ। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? इसे देख के तो मैं 10 काम कर सकता हूँ, आप बताइए क्या करना है। अच्छा इसे पोस्ट कर दो। मैडम देखिए, मैं प्लम्बर हूँ, कोई डाके थोड़ी हूँ। मिस्टर कलंदर, आई मीन मिस्टर प्लम्बर, इसे प्लीज पोस्ट कर दो ना, मैं तुम्हें फ्रूट दूंगी। फ्रूट तो मैं खाता ही नहीं। अच्छा फिर मैं तुम्हें खाना दूंगी। खाना तो पहले दीजिए। देखिए मैडम, मुझे लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं रहा, खाना पहले दीजिए। इसे पोस्ट जरूर करना। हाँ कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी लोगों पर भरोसा नहीं रहा। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। अच्छा फिर ले लो, उठा लो। बहुत बड़े दिल वाली है आप, बड़े भाग्यवान है, दयावान है। वाह वाह कमाल है आपका मैडम। मैडम अभी भी खाना गर्म है आपका, इसे पोस्ट जरूर कर देना। हाँ दूंगा। वाह वाह, थैंक यू मैडम। बेवफा, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रख। मैं भी मर जाऊंगी।
तुम्हें पता चलेगा।
अरे कोई है? गैस की बहुत बदबू आ रही है। लेकिन तुम स्वर्ग में कैसे आ गए? आत्महत्या तो मैंने की थी। आत्महत्या? समझ गई, तुम मेरी जुदाई सह नहीं सके, इसलिए तुम भी आत्महत्या करके मेरे पास आ गए। लेकिन मुझसे इतना प्यार था तो वादा करके क्यों नहीं आए? आई लव यू माई डार्लिंग बिल्स, आई लव यू, किस मी बिल्स, किस मी। अरे बिल्स, तुम स्वर्ग में आकर कितने बदल गए हो। इससे पहले तुमने इतने प्यार से मुझे कभी किस नहीं किया। अरे बिल्स, स्वर्ग में आकर तो तुम्हारे सर पर असली बाल भी आ गए। बाल ही नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा चेहरा ही बदल गया है। मिस डॉली, इस वक्त आप स्वर्ग में नहीं बल्कि इसी दुनिया में हैं और अपने ही फ्लैट में हैं। इसका मतलब है मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। 100%। और तुम दिल नहीं कोई और हो। 100%, आपका पड़ोसी। और किस पे तुमने किया था, दिल ने नहीं? 100%। और गैस भी मैंने ही बंद किया था। ओह गॉड, यहाँ तो लोग चैन से मरने भी नहीं देते। हाउ डिड यू गेट इन माय फ्लैट एंड हाउ डेयर यू टच मी? तुमने तो कहा था बड़ा रोमांटिक होकर किस मी एंड आई ट्राइड टू गिव यू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, पर तुम हो गए रोमांटिक। तो मिस्टर, अगर मैं रोमांटिक होकर कहती कि कुएं में कूद जाओ कुएं में कूद जाओ, तो क्या तुम कूद जाते? तुमने एक भोली मासूम लड़की का फायदा उठाने की कोशिश की है, बहुत गंदे हो तुम। लेकिन मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। सच, कितने अच्छे हो तुम, तुमने तो सारे कपड़े पहन रखे हैं। आई एम सॉरी। हाँ, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, तुम ही तो अधनंगी हो। वो तो मैंने सोचा था कि मरने के बाद अगर मेरी फोटो छपे तो लोगों को पता चले कि कितनी हसीन और जवान लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। लेकिन लोग कितने बेदर्द हैं, मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकी। How sad. मगर तुम मरना क्यों चाहती हो? तुम कोई दिल दिल कर रही थी जब तुम मुझे किस कर रही थी। तुम मुझे किस कर रहे थे? मैं तो दिल से प्यार करती हूँ, आई मीन डॉक्टर दिलबाग से प्यार करती हूँ। आज वो डिनर पे नहीं आए इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, तो ये है वो बदमाश आदमी। डोंट कॉल हिम बदमाश, He's a very प्यारा और अच्छा आदमी। पर शराबी है? नहीं। कबाबी है? नहीं। तो शादीशुदा? हाँ, पर वो बहुत मशहूर दिल का डॉक्टर है। दिल का डॉक्टर? ओह आई सी, मतलब आपने खुदकुशी करने की कोशिश इनके वजह से की। आपको मालूम है खुदकुशी करना कानूनन जुर्म है। पड़ोसी अच्छे हो, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बचाया। व्हाट इज योर नेम? आई एम रिकू। आई एम डॉली। आई नो। क्या करते हो? जी, आई एम ट्राइंग टू बी अ सिंगर एंड अ कंपोजर। आहा, यानी कि वो संगीत की आवाज आपके ही फ्लैट से आती है? हाँ जी। अच्छा, मिस डॉली, मेरे जाने के बाद आप दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करेंगी? और किसी भी चीज की जरूरत हो तो दीवार थपथपाकर या दरवाजा खटखटाकर मुझे बुला लीजिएगा। जी, अब मैं खुदकुशी करने की कोशिश कभी नहीं करूंगी। वेरी गुड। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। I'm sorry, Dils. Mm.
अरे यार शे। रिकू बहुत बुरा हो गया। तुम्हारा वो डॉक्टर दिल आ गया है क्या? अरे नहीं, मैंने उन्हें खुदकुशी का लेटर लिख दिया था, कहीं वो उल्टा सीधा ना कर बैठे। अरे जो कर रहा है उससे ज्यादा उल्टा सीधा वो क्या करेगा? ओहो, कोई सजेशन दो ना, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें? हमसे तुम्हारा मतलब? वैसे भी मैं उस धोखेबाज के लिए कुछ नहीं करने वाला। प्लीज, तुम लड़कियों में एक ही तो बुरी आदत होती है, प्लीज बोलकर कुछ भी करा लेती हो। अच्छा एक काम कर सकते हैं, कल सुबह उनके क्लिनिक में फोन कर देंगे। अभी क्यों नहीं? मेरे पास उनके घर का नंबर नहीं है। क्या? मैंने मांगा ही नहीं, अच्छा नहीं लगता। अरे प्यार करती हो और अच्छा नहीं लगता, कल सुबह उसके क्लिनिक में फोन कर देना। तुम कर दोगे? मैं? अरे मैं क्यों करूँ, खुदकुशी तुम करना चाहती थी या मैं? लेकिन मैं तो सुबह सो ही रहूंगी ना। तो? तुम्हें कैसे कर पाऊंगी? तुम कर दोगे प्लीज? इस प्लीज प्लीज की जरूरत नहीं है, नंबर दो। अच्छा ये लो, बाय, गुड नाइट। हाँ मिस रानी, आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है, आपको दिल का कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स जस्ट ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपको गोलियां दे देता हूं मैं, आप ये खा लीजिए, यू विल फील बेटर। या हाँ, टेल हिम टू टेक टू टैबलेट्स नाउ एंड टू इन द इवनिंग। ओके, आपने दवाइयां ले ली? हाँ डॉक्टर, दवा भी और चम्मच भी। चम्मच भी? मतलब आपने तो कहा था इसे ले लीजिए, तो मैंने ले लिया। ओह माय गॉड, मैंने आपको दवा खाने के लिए कहा था, चम्मच खाने के लिए नहीं कहा था। चलिए लेटिए, लेट जाइए यहाँ पे, चलिए लेटिए लेटिए, उल्टा लेटिए। मुझे लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चम्मच बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन डॉक्टर चम्मच तो इधर है। मिस रानी चलिए चलिए, आपने मेरा वक्त बर्बाद किया, चलिए आप बाहर आइए, आउट आउट। डॉक्टर आउट। मिस कोमल, ये क्लिनिक किस किस्म के मरीजों के लिए है? दिल के मरीजों के लिए। राइट, दिमाग के मरीजों की यहाँ कोई जगह नहीं है, आइंदा इनको अपॉइंटमेंट देने से पहले जरा मुझसे पूछ लेना प्लीज। डॉक्टर लेडीज के साथ इस तरह सुलूक नहीं किया करते, और हम तो आपके लैंड लेडी हैं। लैंड का किराया आपको हर महीने मिल जाता है, नाउ गो एंड डोंट टच मी प्लीज प्लीज। ओह डॉक्टर, माय एडोरेबल बेबी, माय चेरी। हेलो, इज दैट डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक? यस जी, मैं डॉक्टर दिलबाग से बात कर सकता हूँ? सॉरी वो इस वक्त मरीज अटेंड कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के बाद फोन कीजिए। अच्छा, डॉक्टर मरीज अटेंड कर रहे हैं।
क्यों? यार बागी, तूने बगीचे में कौन सा नया पौधा लगाया है? डॉली नाम है उसका, बिल्कुल डॉल जैसी। तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? पागल हो गए हो क्या? हा? अरे लड़की जब तक महबूबा होती है ठीक रहती है, बीवी बनते ही सर पर चढ़ जाती है। बल्कि मैंने तो उसे कह दिया है कि मैं शादीशुदा हूं और दो बच्चों का बाप। हा? मैं शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता, ताकि जब चाहो रिश्ता तोड़ दो। अरे बागी, तू तो कमाल का एक्टर है यार। अगर तेरे पेशे में डिग्री की जरूरत ना होती ना, तो हम अपना पेशा अदल बदल कर लेते। एब्सोल्युटली नॉर्मल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हाल है? ठीक है, बस मुझे देखते ही नीली पीली हो जाती है। नीली पीली? हाँ। ऐसा क्यों? अरे भाई, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अच्छा। उसे नर्वसनेस के पसीने आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? भाई मुझसे प्यार करती है ना। अच्छा, अच्छा। लेकिन एक गड़बड़ है यार। क्या? उसे घबराहट बहुत होती है। तुम एक बार उसका भी चेकअप करा लो ना। हाँ, तुम कोमल से अपॉइंटमेंट ले लेना। वो ना भाई, ना वो तो मेरे भजिया ही तल डालेगी। और अगर उसके पास टाइम नहीं हुआ ना, तो वो मुझे कच्चा ही निकल जाएगी। आइए 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 यार, नर्सों की यूनिफॉर्म का कलर रोज बदल लेना चाहिए। क्यों? अरे भाई, आदमी का मूड बदले या ना बदले, मगर कपड़ों के रंग तो बदलते रहना चाहिए। डॉक्टर, ये अर्जेंट चिट्ठी है आपके लिए। हा? यार बागी, ये मेरी शक्ल बहुत बदसूरत है क्या? पता नहीं क्यों ये कोमल मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती, मुझसे दूर दूर क्यों रहती है? खुद ही पता कर लो भाई। हाँ, डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक। जी, मैं रिकू बोल रहा हूँ। कौन रिकू? डॉली। डॉली? डॉक्टर अभी पेशेंट के साथ है, आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, आपके लिए किसी रिकू का फोन था। रिकू? कौन रिकू, क्या चाहिए था उसको? बाद में फोन करेगा। अच्छा अच्छा दिलबाग साहब, मैं चलता हूँ। आपका बिल मेरे अकाउंट में लिख देना। वो तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। डालियो, बाय बाय। अरे वो मुद्रमा, जी देखिए, आप नाराज मत हुई है, आप हार्ट पेशेंट है, आपको तकलीफ हो जाएगी। जी मैं कल फिर आऊंगा। ठालियो। ये रघु तुम पर इतना मरता है, तुम्हारे पीछे घोड़े की तरह हिने नाता रहता है, तुमसे घास क्यों नहीं डालती? मैं घोड़ी नहीं हूँ। अच्छा, पहले उसे कहो अपना बिल चुकाए। तुम्हें कह दो ना। क्यों, मैं क्यों कहूँ, आप क्यों नहीं कहेंगे? मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे कहते हुए कुछ अजीब लगता है। अच्छा, घर का सामान खत्म हो गया, शॉपिंग करवा के जरा घर पे रखवा देना। ओके। मुझे अपनी डॉली के पास जाना है। डॉक्टर, 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 कोट। डॉक्टर साहब कहाँ चले? सुसाइड करने। मेरा मतलब, आप अपने अपॉइंटमेंट कैंसिल करा देना, मैं कल मिलूंगा। ओके। डॉक्टर साहब, आपकी गाड़ी है। थैंक यू। नहीं हो सकता। हेलो स्वीटी, ये आपके बॉडीगार्ड पीछे कैसे रह गए? आपस की बात है, उसकी क्या जरूरत है? लेकिन ये बताओ स्वीटी, कि तुम्हारे डॉक्टर साहब इतनी जल्दी कहाँ चले गए? देखिए मिस्टर साले, महबूब साहले। महबूब साहले, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे स्वीटी नहीं सिस्टर कहा करो। लेकिन क्या करें स्वीटी, तुम्हें देखकर तो बस स्वीटी की ही सीटी निकलती है। हमारे लिए ऐसी सीटी कभी बजा कर देखो। वो क्या गाना है? आ, आ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर। प्लीज शट अप।
मैंने आपकी अपॉइंटमेंट कल के लिए रखी है, आप कल आ जाइए। ठीक है, कल फिर आ जाएंगे। बाय बाय। बाय। हेलो। हेलो मैडम, क्या आपके डॉक्टर फ्री हो या नहीं? उनसे कहिए कि अर्जेंट बात करनी है। आज क्या हो रहा है, हर चीज अर्जेंट होती जा रही है। अर्जेंट बात, अर्जेंट लेटर। आप वो अर्जेंट बात मुझे बताइए, मैं उनको बता दूंगी। अच्छा, उनसे कहिएगा कि मिस डॉली मरी नहीं और वो खुदकुशी से बच गई हैं। मिस डॉली मरी नहीं, खुदकुशी से बच गई है। इस गॉड ऐसा मत करने देना। नो। ओह गॉड। तुम जिंदा हो? मरी नहीं? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? क्यों? अफसोस हुआ मुझे जिंदा देखकर? नहीं नहीं, ताज्जुब कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे खत का यकीन कैसे कर लिया और सब कुछ छोड़कर सीधा भागा भागा यहाँ कैसे चला आया, जबकि मुझे जान लेना चाहिए था कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ खुदकुशी नहीं करती हैं। लेकिन मैंने खुदकुशी की थी। अब ये रहा तुम्हारा सामान, गेट आउट एंड लीव मी अलोन। मिस डॉली, मैंने आपका वो मैसेज उनके क्लिनिक में दे दिया है कि आप मरी नहीं और खुदकुशी से बच गई हैं, लेकिन उस वक्त तो दिल का मरीज क्लिनिक में नहीं था। दिल का मरीज नहीं, दिल का डॉक्टर। थैंक यू। ये इनकी तारीफ? ये रिकू है, मेरा पड़ोसी। और रिकू ये वही है। आप अभी तक खड़े हैं? थैंक यू। देखिए, हमें जरा आपस में प्राइवेट बातें करनी है, इसलिए जस्ट लीव अस अलोन। चला जाता हूं। इससे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, ये लड़का मुझे बहुत बदमाश लगता है। तुमने वाकई खुदकुशी करने की कोशिश की थी? आपको तो तब यकीन होता जब मैं सचमुच ही मर जाती। नहीं, तुम्हारे पास तो तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। हाँ ये सही है डॉली, दरअसल मैं अपने बीवी बच्चों के चक्कर में तुम्हारे पास आना ही भूल गया था। तुम्हारी इसी अदा पे तो मुझे प्यार आता है। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ डॉली। आई लव यू, आई रियली लव यू, एंड आई प्रॉमिस यू आगे से तुम्हें कभी कभी मरने नहीं दूंगा। कौन है? मैं रिकू। तुम मेरी बालकनी में क्या कर रहे हो? ठीक कर रहा हूँ। क्या ठीक कर रहे हो? ये टूटा फूटा पुराना दरवाजा। ये जंगली यहां बैठा हमारी बातें सुनता रहेगा, तो बाहर चलते हैं। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, हवा के साथ साथ हवा चल के। आज पहली बार तुम मुझे दिन में घुमाने लाए हो। यहाँ रोज इतनी तेज हवा चलती है क्या? जी सर। ओ माय गॉड, ठीक है ऑर्डर लाओ जाओ। जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बाल मेरे माथे पर गिरते तो मुझे अच्छा नहीं लगता हवा में उड़ते हुए। डॉक्टर उलाला, हाय 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 डॉक्टर, आई लव यू, हाउ आर यू? ये लड़की कौन है, तुम्हें बेटी है? नहीं नहीं, वो मेरी पेशेंट है। पेशेंट? ये हट्टी कट्टी नजर आती है, और तुम कब से पेशेंटों के इलाज बाहर करने लगे? उसे घर में खाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर उसका इलाज करना पड़ता है। ओह माय गॉड, सो लकी। मेरा भी इलाज कर दो ना। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लवेरिया हुआ है। देखो तुम अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि उस लड़की को दौरे पड़ते हैं, और जब उसको दौरे पड़ते हैं तो वो लोगों के और खूबसूरत लड़कियों के कपड़े फाड़ने लगती है। लेकिन तुम्हें ये दौरे क्यों नहीं पड़ते? कौन से कपड़े फाड़ने के? जल्दी पड़ेंगे, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, शायद ही तुम्हें ये दौरा पड़ेगा, अभी तुम जाओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस करो। थैंक यू। वो तुम्हारी बीवी थी? नहीं नहीं, मेरी पेशेंट थी। ऐसी पेशेंट? बहुत चिपक चिपक के बातें कर रही थी। यही तो उसकी बीमारी है। क्या? चिपकना। बड़ी बुरी बीमारी है ये डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मुझे बिदकने की बीमारी हो जाए, उसके चिपकने की बीमारी का इलाज ढूंढो।
मैंने इलाज ढूंढ लिया है। मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता है? तुम भी एडल्ट, मैं भी एडल्ट, तुम भी खूबसूरत, मैं भी वेल, मतलब तुम भी राजी, मैं भी राजी, तो हमें कौन रोक सकता है? तुम्हारी बीवी? मेरी बीवी? मेरी बीवी? डॉली डार्लिंग, आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूं। दरअसल आज तक मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं शादीशुदा नहीं हूं। टिल्स, मैं आज तक तुम्हें क्या सोचती रही और तुम क्या निकले? तुम आज तक मुझे शादीशुदा सोचती रही और मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुंवारा निकला। नहीं, तुम एक बिना जज्बात के बेदिल इंसान निकले। तुम मुझसे शादी करने के लिए अपने बीबी के वजूद को झुठला रहे हो। तुम एक बिना दिल के डॉक्टर निकले और मैं ऐसे आदमी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। मगर मेरी बात तो सुनो। डॉली, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सचमुच कुंवारा हूँ। आई लव यू, आई लव यू, मैं सचमुच कुंवारा हूँ। डोंट टेल लाइज। ओके ओके, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन प्यार प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ। डॉली डॉली, ऐसी हिम्मत हमारी तो कभी नहीं हुई। क्या है? ओके, आवाज नहीं निकल रही। ओके, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन हम दोनों शादी करेंगे। कैसे? अपनी अपनी बीवी को तलाक देकर। नहीं दिल्स, मैं ये नहीं चाहती। उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? अरे वो खुद तलाक लेना चाहती है। तलाक लेना चाहती है, लेकिन तुम में क्या कमी है? अरे बात करने की नहीं है, बस वो तलाक लेना चाहती है। यानी कि तुमसे तलाक लेकर उसे कोई दुख नहीं होगा? दुख? उसे तो खुशी होगी। मैं नहीं मानती। अरे नहीं, मानने या मानने की क्या बात है? तो ठीक है, मुझे तुम्हारी बीवी से मिलना है। कहाँ से लाऊं? क्या मेरा मतलब है कि उससे उससे मिलकर क्या करूंगी? बात करूंगी, मगर उससे कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, कल को अगर मुझे गिल्टी फीलिंग हुई तो। कौन सी फीलिंग? गिल्टी फीलिंग नहीं होगी। कैसे मालूम? क्योंकि मैं दिल का डॉक्टर हूँ। कुछ भी हो, मैं उनसे मिले बिना शादी नहीं करूंगी। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओहो ये पंखा, सॉरी कोमल, सुबह मैं थोड़ा जल्दी में था। कोई बात नहीं, मैंने सारे अपॉइंटमेंट सजेस्ट कर दिए हैं। हाउ स्वीट, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? यू कैन सेंड देम डाउन। गुड इवनिंग। शर्मा, कपड़े उतारिए और कुर्सी पर लेट जाइए। कुछ नहीं होता है हार्ट में, सिवाय आर्टरीज के, ब्लड के और फैट के, कुछ नहीं होता है। हाँ होता है डॉक्टर। क्या? फीलिंग्स। और मेरे दिल में ना बहुत फीलिंग्स है, बहुत। आप थोड़ा सा चेक कर दीजिए ना। ओके, यू कैन गो देयर, गो देयर, गो। वहां लेट जाओ। हाँ लेट जाओ। प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? मेरे दिल में ना ऐसे कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होना तो जरूरी है ना। हाँ, रानी साहिबा, यू आर एब्सोल्यूटली नॉर्मल, यू कैन गो, प्लीज प्लीज गो, प्लीज। Thank you.
इसे अपनी बीवी बनाकर डॉली के पास भेज दूं तो? हेलो, मैं डॉक्टर दिलबाग की बीवी हूँ। बीवी माने वाइफ। आइए ना। वैसे मिसेस दिलबाग, डॉक्टर साहब से आपकी शादी को कितने साल हुए? दिल से? जन्म जन्म। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, पति पत्नी का रिश्ता तो होता ही है जन्म जन्म का। लेकिन आप इस जन्म में उनसे रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हैं? दिल से? वो तो मैं किसी जन्म में भी ना तोड़ूं। और अगर तूने मेरी पति की तरफ इतनी छोटी सी भी उंगली उठाई ना, तो मैं उंगली तोड़कर तेरी बटेर जैसी आंखों में घुसेड़ दूंगी, समझी? क्यों गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं गुप्ता जी? अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं अभी घर जाना नहीं चाहता डॉक्टर साहब। अरे कमाल के बिजनेसमैन हैं आप, आपका काम हो गया, आपको जाना चाहिए, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं डॉक्टर साहब? यहाँ रह करके जो मैं पैसे खर्च करता हूँ वो कुछ भी नहीं है। अच्छा? लाखों रुपए मुझे लोगों के देने हैं और लाखों बचाने के लिए हजारों तो खर्च करने पड़ते हैं। यंग मैन, तुम्हें तो हसीन वादियों में किसी रंगीन तितली की बाहों में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? हार्ट पेशेंट बनने से पहले मैं भी हार्ट स्पेशलिस्ट था। अच्छा? आपकी तरह। यस डॉक्टर। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हार्ट क्लिनिक तक मैं जिसे रोमांस के झटके पर झटके देता रहा, अचानक उसने मुझे एक झटका दिया और शादी करके मेरी बीवी बन गई। डॉक्टर, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज है? प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर मुझे इससे बचाइए प्लीज। ए भगवान, मेरी तो तकदीर ही फूट गई, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं? अगर तुम यहाँ शराब पीना बंद कर दो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, ये अंगूर का पानी मेरे लिए खून बन चुका है और अब मैं इसे छोड़ नहीं सकूंगा। डॉक्टर साहब प्लीज। सिन्हा साहब, आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत है, तो क्या बात है? तो हुआ यूं डॉक्टर साहब के, आप तो जानते ही हैं मैं लॉटरी टिकट एजेंट हूं। मेरी बेची हुई एक टिकट पर एक आदमी को 10 लाख रुपए का पहला पुरस्कार लगा और जिस आदमी ने वो टिकट खरीदी थी वो बहुत ही गरीब आदमी था। मुझे लगा इतना रुपए पाने की खबर सुनकर कहीं उसे हार्ट अटैक ना हो जाए, इसलिए मैं दिमागी तौर पर उसे मजबूत करने के लिए खुद उसके घर गया। और बाबू जी, तुम? राम राम साहब। राम राम। बैठो भैया। हाँ, बैठे के बात करेंगे। बाबूजी तुम फिर आ गए, मुझे लॉटरी की टिकट ना चाहिए और मेरा सब आगे कहा कि मेरी लॉटरी निकला है। नहीं मानो, अगर 10,000 रुपए निकल जाए तो क्या करोगे? पर आज के जमाने में 10,000 रुपये में कहां होता है? और अगर 1 लाख निकल जाए तो? हाँ, अगर 1 लाख रुपया मिल जाए तो बिटिया की शादी कर सकते। बिटिया की शादी करोगे? हाँ। और भैया अगर 5 लाख रुपए की लॉटरी निकल जाए तो क्या करोगे? 5 लाख? फिर तो मजा ही आ जाएगा। और जाए टूटे झोपड़ा बेच के फ्लैट में चले जाऊंगा। फ्लैट में जाओगे? हाँ। और भैया अगर मानो 10 लाख रुपए की लॉटरी निकल जाए तो क्या करोगे? अरे बाबूजी, काय को टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे नाम की लॉटरी कोई ना निकले। और हाँ, अगर 10 लाख रुपया की लॉटरी निकल गई हाँ। तो कसम जा बिटिया की मैं वहां से 5 लाख रुपये तुम्हें दे दूंगा। 5 लाख? हाँ। भैया देखियो काय हो जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। हमने सुना था कि दिल के डॉक्टर सीरियस टाइप के होते हैं, लेकिन ये तो बड़े जॉली हैं और सबका कितना ख्याल रखते हैं। तालियो। पहले ही मुझे वक्त नहीं मिलता हॉस्पिटल से आने का और तुम हो कि आधा वक्त ऐसे ही निकाल देते हो। अरे डार्लिंग, ये नाराज होने का वक्त नहीं है, यहाँ आराम से बैठो, ये वक्त बहुत अच्छा है। मैं आज ही फिल्म साइन करके आ रहा हूँ एज ए हीरो। ओह नो। ओह यस, ये देखो। हाँ, तुम्हारे लिए भी रोल की बात करके आ रहा हूँ। सिस्टर करो। सिस्टर? हॉस्पिटल में भी सिस्टर हो, फिल्म में भी सिस्टर? नहीं। अरे सिस्टर होगी तुम हॉस्पिटल में, मेरी तो तुम हीरोइन हो। मैं तुम्हें हीरोइन भी बनाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। सच्ची? हाँ। और ये सब करने के लिए पहला सबक है चफली और दूसरा पपी। हेलो हेलो, ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, मैं डॉली बोल रही हूँ। आज शाम को अपने बीबी को घर ले आओ।
गया हूँ। घर? हाँ, तुमने वादा किया था ना? वादा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आज नहीं फिर कभी। नहीं, आज ही नहीं, आज शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शायद? शायद नहीं, वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। तो से आई लव यू? यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो ना, आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू सो मच दिस। बाय, सी यू। मैं जाऊं? आपके लिए शॉपिंग भी करनी है। आज मैं तुम्हें कहीं लेके चलूंगा। कहाँ? रेस्टोरेंट जहां बैठकर चाय कॉफी पियेंगे, बातचीत करेंगे, मर्ज और मरीज के अलावा जिंदगी की बातें करेंगे। आपके साथ मैं 7 साल से काम कर रही हूँ और पहली बार मुझे रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं। लेकिन आखिरी बार नहीं। चलो प्लीज। प्लीज चलो। थैंक यू। बैठो बेटा। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल कोमल। आज हमको क्या कर रही हो? आज तो आपके साथ हूं। रोज शाम को क्या करती हो? अपने भतीजों को घुमाने ले जाती हूँ, भाई और भाभी के साथ कभी कभी। भतीजे कैसे हैं? क्या करते हैं वो? क्या उम्र है उनकी? बड़ा 12 साल का है, छोटा 10 साल का। बड़े अच्छे लड़के हैं और तमीज वाले भी। और टॉमी तो बस। टॉमी? कौन टॉमी? हमारा कुत्ता। रख दो। तुम शादी कब कर रही हो? जी, एक बार कोई पसंद आया था तो वो शादीशुदा निकला। वो भी क्या? I mean, lot of bachelors around this area of Kansi. लेकिन आपके यहाँ तो दिल के मरीजों से मुलाकात होती है। और मैं शादी से पहले विधवा नहीं बनना चाहती। यंग वंस जूम रहते हाथ अटैक किसी। कमल, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। आप भी तो अच्छे हैं। आप मेरे भैया से मिलेंगे? भैया से? क्यों? ऐसे ही। कोमल, आदत ऐसी है कि मुझे एक बेबी चाहिए। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। जी मैं क्या कहूं, आप मेरे भैया से। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। जी मतलब कि मुझे कुछ देर के लिए एक वाइफ चाहिए, टेम्परेरी वाइफ। तो तुमसे अच्छी टेम्परेरी वाइफ मुझे और कहां मिल सकती है? साफ साफ बताइए। साफ साफ ये कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। लड़की से? कौन है वो? डॉली, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करती है। होली स्पिरिट स्कूल के बिल्कुल सामने है। होली स्पिरिट स्कूल? वहां तो मेरे भतीजे भी पढ़ते हैं। तब तो मेरा काम और भी आसान हो गया है। मेरा मतलब है, आदत इसलिए है कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ उससे मैंने कहा है कि मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों का बाप भी हूँ। शादीशुदा बाप? मैं समझी नहीं। मैंने किसी वजह से झूठ बोला था। तो अब सच बोल दो। नहीं, मैं उसे सच नहीं बोल सकता, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको सब कुछ समझा दूंगा। वो मुझसे, मतलब मेरी बीवी से मिलने की जिद कर रही है। तुम उसे कह दो कि तुम मेरी बीवी हो और मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। प्लीज। सॉरी डॉक्टर, मैं आपके काम के बारे में आपकी हर तरह की मदद कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से आपको मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। कोमल, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मेरा मतलब मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। छोड़िए, मेरा मतलब मेरा दिल तुम्हारे हाथ में है। आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी मरीज, अब आपका दिल। सॉरी डॉक्टर, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज कोमल, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ। क्या लाऊं सर आपके लिए?
120। कितने पैसे हुए? 12 रुपए। ये लो। सुनो, तुम बच्चों को लेकर यहीं आ जाना, मैं सामने की दुकान में हूँ। जी मैम साहब। यस मैडम, कैन आई हेल्प यू? मिस डॉली है? जी हाँ, कहिए। मैं डॉक्टर दिलबाग की। ओ, तो आप मिसेस दिलबाग हैं? कहिए, मैं ही मिस डॉली हूँ। आप डॉक्टर दिलबाग से प्यार करती हैं ना? जी हाँ, करती हूँ। मैं डॉक्टर दिलबाग से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। क्यों? दिल्स, आई मीन डॉक्टर दिलबाग क्या अच्छे इंसान नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है, दिल से बिल्कुल बच्चे जैसे। हर इंसान से तपाक से मिलते हैं, हर मरीज का ख्याल रखते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो फिर आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती हैं? मेरी कुछ मजबूरी है, और फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, मैं तुम दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती। उनसे दूर रह के आपको कोई दुख नहीं होगा? दूर तो मैं अब भी हूं। वैसे इस दूरी की कोई वजह? नजदीकी का ना होना। ओह आई सी। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें हमेशा खुश रखना। गुड लक। अच्छा मैम साहब, इनके दिल में दिल्स के लिए अभी भी बहुत प्यार है, मैं जानी इनकी क्या मजबूरी हो सकती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, किसी मरीज के साथ है, आप जरा तशरीफ रखिए। अम्मी तशरीफ रखिए। क्यों मोहतरमा, आपका करम हम पर कब होगा? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आपके पीछे तो नहीं, आपके सामने जरूर खड़ा हूं। माशाल्लाह, आप जैसी हसीना पर किसका दिल नहीं आएगा? हाँ, बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। आए, आप अपनी फसाद की बंदूक को जरा नीचे चढ़ाइए। इसकी आप फिक्र मत करें, ये तो सिर्फ हैंगर है। जब हम मोहब्बत की बातें करेंगे तो कपड़े इस पर टांगेंगे। लगता है आप बहुत जिद्दी हैं। आजमा कर देख लीजिए। ये मेरा कार्ड, 5 मिनट के नोटिस पर हाजिर हो सकता हूं। ये बात, ये तबस्सुम, ये निगाहें, आखिर तुम ही कहो, क्यों कर न तुम्हें चाहे। जाइए, अपनी माता जी को अंदर ले जाइए। प्रसाद अम्मी जान को अंदर ले जाओ। चलिए। खुदा की मार, मुए मुझ पे बंदूक तानता है, जन्म में जाए तू और तेरी अम्मा। अम्मी तो पहले से ही तशरीफ ले जा चुकी है, अभी आप भी तशरीफ ले चलिए। मुआ मुझे मारना चाहता है। देखा, अपने मतलब की बात कैसे झट सुन लेती है। चलिए चलिए। तो कब कबूल कर रही हैं आप हमारी मेहमान नवाजी? दुनिया में सैकड़ों मिल जाएंगी, आप मुझ पर ही क्यों लाइन मार रहे हैं? वो सैकड़ों आप जैसी तो है नहीं। ओफो, क्या हुस्न है, क्या जुल्फ है। ओ माय गॉड, मेरी चक्कर में आपका पुतला मार दिया। क्या हुआ? चूहे पे हमला हो गया, मेरा चेकअप हो गया। अरे अमित, चेकअप कैसे होता, फसाद ने चूहे पर हमला किया है। अच्छा अच्छा,
चलो जल्दी जाओ। आई ओके? आप ठीक तो हैं? हाँ मम्मी, कल आते हैं। चलिए चलिए। रिलैक्स। गुड इवनिंग डॉक्टर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड बॉडी। थैंक यू। डंबल्स? या या श्योर प्लीज। कॉलेज के जमाने में भी बहुत करता था। ये कपड़े बदलने क्यों नहीं आते? कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं। ये कपड़े लड़कियों ने देख लिया तो उन्हें बुरा लग सकता है। तो क्या हुआ, आदमी के पास बॉडी है तो वो दिखाएगा, और मैं 20वीं सदी का लड़का हूँ। ये 20वीं सदी के लड़के बहुत बुरे होते हैं। बुरे? तो आप क्या हैं? अपनी बीवी से चोरी छिपे एक हसीन जवान लड़की को मिलना कोई अच्छी बात है? मैं अपनी बीवी से तलाक ले रहा हूं, और तलाक देने के बाद मैं डॉली से शादी करूंगा। ओ, ये बात तो उसने मुझे बताई नहीं। तुम्हें क्यों बता दी? ये हमारा प्राइवेट मैटर है। अरे डॉक्टर साहब, क्यों एक भोली भाली लड़की को बेवकूफ बना? अरे अपने काम से काम रखो भाई, चलो पकड़ो। वाले हाय दिस। हाय। हेलो रिको। हाय। बहुत फ्रेश लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। मेरे से हाँ, अभी अभी एक्सरसाइज करके फ्रेश हुआ हूँ। अच्छा, मुझे काम से थोड़ा बाहर जाना था, आपने मेरे टी शर्ट के बटन लगा दिए। हाँ। टी शर्ट के बटन किसके लिए? मेरे। तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो? आओ ना दिस, क्यों मुंह बनाकर खड़े हो, आओ ना। हेलो। देख रहे हो मैंने ठीक से बटन लगाए कि नहीं? हाँ। आई जस्ट गेट रेडी इन अ मिनट, ओके? डॉक्टर साहब, ये आपके असली बाल है या नकली? मैं इस कमबख्त का बाईपास करना चाहूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस बंदे से दोस्ती मत करो? तुम आजकल के लड़कों को नहीं जानती, पहले दोस्ती करते हैं। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? ओह दिस डार्लिंग, एक अच्छे नेबर होने के नाते। तुम बहुत भोली हो, आई एम सीरियस। ये लड़के पहले बटन लगवाने आते हैं, फिर बाद में बटन खोल देते हैं। ओहो, डोंट बी सिली। देखो देखो, आई एम डॉक्टर, आई नो बेटर, आई एम मैच्योर देन यू आर, ओके? समझी तुम? ओके, तुम रुको, मैं अभी आई। वैसे आज मैं तुम्हारी बीवी से मिली थी। हाँ? बीवी? कौन सी बीवी? तुम्हारी बीवी और किसकी? क्या नाम बताया था आपने? किसका? अपनी बीवी का और किसका? मेरी बीवी का नाम मैं अपनी बीवी का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता। और बच्चों का? बच्चों का क्या नाम? बच्चों इधर आओ, बच्चों उधर जाओ, बस और क्या? लेकिन बहुत प्यारा नाम था उनका। हाँ, बड़ा प्यारा नाम था उनका। चीकू पीकू। चीकू पीकू? हाँ। लेकिन तुम्हारी बीवी ने तो उनका नाम सोनू मोनू बताया था। प्लीज ट्राई दिस। हाँ, सोनू मोनू मेरी बीवी इनको बुलाती है, लेकिन मैं उनको चीकू पीकू ही बुलाता हूँ। हो गया। थैंक यू। लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हें अभी भी बहुत चाहती है। शी रियली लव्स यू, यू नो। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी बात क्यों नहीं हो सकता? आखिर वो तुम्हारी बीवी है। मुझे तो उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। वो सिर्फ हम दोनों के लिए हमारे रास्ते से हट रही है। अगर हमारी शादी हुई ना तो उनका बहुत बुरा होगा। अच्छा सुनो, आई रिपीट, तुम वाकई इनोसेंट हो। तुम इंसान के जज्बात को, इंसान के अलग अलग रूप को नहीं समझ सकती, खासतौर से औरत के रूप को। क्या मतलब? मतलब बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन तुम्हारे इस तरह के ख्यालात हमारे डिवोर्स में अड़चन पैदा कर सकते हैं। बट आई मस्ट से you are looking nice and time to go for the movie. लो जी, आ तो गई लाइट। हाँ, अच्छा हुआ, नहीं तो शो भी नहीं देख पाते। ये बंबई की लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहा, बरसात की तरह हो गई। हाँ, सुना है 3 बार गई थी। कौन? लाइट। अच्छा अच्छा, दिल शो कब शुरू होगा? अरे 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। अच्छा, तुम अपने बीवी के बारे में बता रहे थे ना? बीवी? हाँ बीवी, मैं कह रहा था कि उसके साथ रहना अब नामुमकिन हो गया है। क्यों? वो अच्छी नहीं है। नहीं, वो तो तुम्हें डाइवोर्स सिर्फ इसलिए दे रही है ना?
कि हम दोनों की शादी हो जाए, तुम्हें खुशी मिले और तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी खुश देखना चाहती है। मेरा मतलब है कि उसका किसी से चक्कर चल रहा है। चक्कर? कौन सा चक्कर? वो किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, गलत है। अरे कैसे नहीं लगता, वरना मेरे जैसे कमाऊ और टिकाऊ और इतने ज्यादा अमीर आदमी से डिवोर्स ले सकती थी क्या वो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सुनो, शीशा है। क्या देख रहे हो? क्या? हम आपके है कौन? बाद में बताऊंगी। अच्छा, तुमने उसे देखा है? किसे? वही, तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड। हाँ, देखा है, एक दो बार देखा है। अच्छा, कैसा है वो? अरे मुझे क्या पता। कैसे हस्बैंड हो तुम? वो तुम्हारी इतनी फिक्र करती है और तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं? मुझे उसकी फिक्र है। क्या है? कुछ नहीं है। तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होगा उसके बारे में जानकारी हासिल करने का। अरे डॉली, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा। नहीं, जब तुम्हारी बीवी हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है, तो हमें भी उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। इस एज में वो किसी घटिया आदमी से शादी नहीं कर सकती। वो घटिया आदमी नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं डॉक्टर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नो, मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक मुझे तसल्ली न हो जाए, मैं उनसे भी जरूर मिलना चाहूंगी। देखो डॉली डार्लिंग। नो डार्लिंग, एंड दिस इज अ फाइनल वार्निंग। जब तक मैं उनसे नहीं मिलती, नो डार्लिंग, नो शादी। ओके, तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। बाय। अब आपके है कौन? कुछ नहीं। चालू है, रोमांस चालू है, डांस चालू है, रोमांस चालू है। अरे बंदरवा से खुली खिड़कियां, अंदर नाचे लड़के लड़कियां। डांस चालू है, रोमांस चालू है, डांस चालू है, रोमांस चालू है। Go, 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 go. No, 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 no. No, 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 no. Go, 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 go. Go, 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 go. No, 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 no. No, 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 no. Go, 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 go. चालू है, रोमांस चालू है, डांस चालू है, रोमांस चालू है। Dance, dance, take a chance, chance. Dance, dance, take a chance, chance. अरे बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, अंदर नाचे लड़के लड़कियां। डांस चालू है, रोमांस चालू है, डांस चालू है, रोमांस चालू है। दो 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 दो
हेलो। हाय अदाई जफाई गुरूर आया हिजाब आया हजारों आफते लेकर हसीनों पे शबाब आया। आज हमारे दिल में हल्का सा दर्द पैदा हो गया है। अल्लाह कसम बड़ा शीरी है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। डॉक्टर साहब तो है नहीं, तो आप ही चेक कर दीजिए ना, बड़ा दर्द हो रहा है। हाय। ओके चलिए आइए। हाय मौकाए दीदारे हसीना इससे बेहतर क्या होगा। हाय सौ सौ उम्मीदें बंधती हैं तेरी एक एक निगाह पर, ऐसे न मुझको प्यार से देखा करे कोई। उफ मरमर सा तराशा हुआ तेरा ये शफाफ बदन, देखने वाले इसे ताजमहल कहते हैं। माशाल्लाह आज आपने बड़ा खूबसूरत लिबास पहन रखा है। ऐसा लिबास तो मैं रोज ही पहनती हूँ। हुजूर कभी हमारी नजर से भी खुद को देखा कीजिए। देख कर तेरी मस्त आंखों को मैं कदे खुद भी झूम जाते हैं। कब से हो रहा है ये दर्द? जब से आंखें चार हुई दिल बेकाबू हुआ जाता है, नशीली अंगड़ाई आती है, खुदा खैर करे। डॉक्टर साहब अभी आते होंगे, आप इंतजार कीजिए। हम इंतजार नहीं कर सकते, हमारी एम्बेसी में मुलाकात है। उनका जिक्र उनकी तमन्ना उनकी याद, वक्त कितना कीमती है इन दिनों। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलता हूँ। अरे साली साहब सॉरी मैं जरा थोड़ा लेट हो गया, चलिए मैं आपका चेकअप कर देता हूँ। मेरा चेकअप तो हो गया। किसने किया आपका चेकअप? कोमल ने। डॉक्टर मोहय अब मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लिया है। ओके ओके बाय बाय। अरे डॉक्टर मल्होत्रा की फाइल। Are you okay? यहाँ देखा क्यों है? आपके पास शीशा है? मुझे मैं लेके एक मिनट। Your eyes please। Thank you। You have beautiful eyes। Thank you। तुम डॉली से मिली थी? हाँ। तुमने तो इनकार किया था। आप ही ने तो कहा था। डॉली के सामने अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? बनने की क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अगर उसके सामने तुम थोड़ा बुरा बन जाती तो तुम्हारा क्या जाता। मुझे एक के बाद दूसरा झूठ बोलना पड़ रहा है कि तुम मुझसे इसलिए डिवोर्स ले रही हो क्योंकि तुम्हारा किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर है। लेकिन ये तो झूठ है। अरे मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, लेकिन डॉली नहीं जानती। अब ये देखना चाहती है कि जिसके साथ तुम्हारा चक्कर है तुम उसके साथ शादी करके खुश रह सकती हो या नहीं। तो अब क्या करें? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? है तो? तो उसे मिलवा दो। वो मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मतलब? मतलब वन साइडेड। उसकी तरफ से? नहीं मेरी तरफ से। तो किसको बनाया तुम्हारा बॉयफ्रेंड? महबूब साले के साथ। नो 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 महबूब साला। ताला नहीं साले। अरे साले साला एक ही बात है, साला घटिया आदमी है, कुछ गड़बड़ कर दी तो? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम पिछले सात साल से मेरे साथ हो, मेरी जिम्मेदारी हो।
जिसको बनाए तुम्हारा बॉयफ्रेंड। आप ही सोचिए। सोचिए। हाय डॉग। कौन? कहीं बाहर जा रहे हो क्या? रघु बिल्कुल ठीक वक्त पर आए। Not him, please. रुको रुको, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें तुम्हारे बिल्स नहीं चुकाने पड़ेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? अरे नीचे तो आओ, बताता हूँ। आओ आ जाओ। सुनो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता है। क्या हुआ भाई? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, आप बताता हूँ। शतरंज की बाजी में आज तुम्हारा रोल प्यादे से बजी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एक थम्स अप मैं? सिर्फ थम्स अप से काम नहीं चलेगा, उसके साथ कुछ कबाब शबाब भी हो जाए। तुम्हारा हाथ। ये रहा वो हाथ। ये रहा। अंधेरा कुछ ज्यादा ही है। अंधेरा? आपके तो आंखों पे काला चश्मा लगा है। थैंक यू। हेलो। हाँ। क्या मेन्यू देख रही हो? आसपास का माहौल देखो, कितने डिफरेंट किस्म के लोग आए हुए हैं। हाँ। वो तुम्हारी बीवी तो नहीं है? अरे होगी, हमें क्या लेना देना, मरने दो। होगी, मरने दो। तुम अपनी बीवी को नहीं पहचानते क्या? हाँ, वही तो है, वही तो लगती है, वही है, वही है। चलो हम मिलके आते हैं। अभी नहीं, बाद में। बाद में क्यों? बस ऐसे ही। आ, मेरा हाथ! आ, इडियट! थोड़े से पैसे दे दो। पैसे? कैसे पैसे? अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, अगर तुम बिल दोगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारी वाइफ का बॉयफ्रेंड तो बहुत करीब मालूम होता है। क्यों? वो तुम्हारी वाइफ के पैसों से ऐश करता है। उसने अभी अभी तुम्हारी वाइफ से पैसे लिए। अरे नहीं, वो तो कंपनी का मालिक है, हो सकता है उसकी जेब फटी हो। फटी हुई हो? हाँ, मेरा मतलब है कटी हुई हो। क्या वो बस और ट्रेन में सफर करता? अरे नहीं, वो तो बस कंपनी का मालिक है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको अकेला छोड़ देते हैं, हम आपस में बातें करते हैं। आओ डांस करें। चलिए आइए। अच्छा,
थोड़ा डांस कर ले। हाँ नहीं। क्यों? पूरा डांस करेंगे। चलो। क्या हुआ? तुम्हारा हाथ। ये रहा। ये नहीं वो हाथ। ये रहा। मैं तुमको देख रहे हैं। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे वाइफ से मिलकर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी हासिल कर ली जाए। हेलो। हाय बीबी, मीट माय फ्रेंड डॉली। ये है मेरे बॉयफ्रेंड रघु। हाय। हेलो डॉक्टर। क्या आप दोनों में दोस्ती है? नहीं 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 नहीं, अरे मेरी बीवी के होने वाले पति हैं, सबको हाय करके मिलते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। Ask them to join us. Why not? Would you like to have a drink with us, please? Oh, why not? Sure, sure. Okay. Come on. आइए। आइए। Yes, come on. Sorry. Oh, you please come. आइए। Sorry. Oh, you go. Okay, thank you. आइए please. Sorry. आइए आइए। आइए। Excuse me. Thank you. My foot. My knee. आप दोनों की खुशी के लिए मेरी तरफ से ड्रिंक। जी मैं बियर पीऊंगा। आप मोटे हो जाएंगे। देखिए पतलों को रोल नहीं मिलते, मोटों को फिर भी मिल जाते हैं। क्या आप एक्टर हैं? जी नहीं नहीं, शौकी एक्टर है, बल्कि कहना चाहिए कि मेरे लिए एक्टिंग कर लेते हैं। ग्लास में। सोनू मुनु कहाँ है? सोनू मुनु? हाँ, चीकू पीकू। चीकू? ये चीकू तो सुना था, लेकिन ये पीकू कौन से ड्राई फ्रूट का नाम है? ड्राई फ्रूट? डार्लिंग भूल गए हमारे होने वाले बेटों का नाम? बेटे? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, फिर तुम्हें कैसे मालूम कि हमारे बेटे ही होंगे? दहेज में दो बच्चे। क्या आपको बच्चे पसंद नहीं? ना भैया, इनको मजाक करने की आदत है। इतना सीरियस होकर, शौकी एक्टर है ना। थैंक यू। यू चीट? शादी तो मुझसे करने जा रहे हो और रोमांस इस औरत के साथ अच्छा है। शादी से पहले तुम्हारी असलियत खुल गई। ठीक है, तुम अपने डॉक्टर दोस्त की गर्लफ्रेंड्स पर लाइन मारो और मैं तुम्हारे डॉक्टर दोस्त पर लाइन मारूंगी। और ना ही अब मुझे हीरोइन बनना है और ना ही तुमसे शादी करना है, समझे? गुड बाय। पर्सनल प्रॉब्लम्स। तुम ऐसे घटिया आदमी के पल्ले अपने बीवी को बांध देना चाहते हो? I'm going. Goodbye. मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। अब तक वो तुम्हारी बीवी है और वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। चलो। You deserve it. But I don't. I don't. हेलो। हाँ मैं मिसेस रोमा खत्री बोल रही हूँ, आप कौन? हाय, तू कैसी है तू? ए, तूने सुना हुआ मेहता वाला केस? हाँ अब खत्म तो हो गया, लेकिन पब्लिसिटी के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अरे मैं तो खुद क्या कपिल को फर्स्ट क्लास का पास मिला है गाड़ी में। समा कर बेचारा। लेकिन सुन, मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही है। जाने दे, तू तो मुझे सुन रही है ना। सुना, तू इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, फिर तुझे एक डॉक्टर से मिलवाऊंगी, बड़ा ही सुंदर और सेक्सी है। किसी से कह रहा नहीं, लेकिन मेरा उस पर दिल आ गया है। सुनिए खत्री जी। सो स्वीट। हाँ पता है। हेलो। हेलो। बड़ा ही दिल वाला है, पता है सब मरते हैं उस पर, वो मोटी मेटन भी मरती है। हेलो। हेलो जी। ओ आप कैसी हैं? वैसे आज आप कुछ ज्यादा ही मोटी दिखाई दे रही है, बिल्कुल मनोरमा हीरोइन की तरह। थैंक यू। कोई बात नहीं, गलत तारीफ सुनना और करना कोई बुरी बात तो नहीं। आपको कोई और काम है कि नहीं? हमेशा फोन से चिपके रहती है। मैंने कब से कनेक्शन ऑफ करके रखा है? ऐसे बोला तो सुनाई नहीं दिया, फोन से बोला तो सब सुनाई देने लगा। यू फोन मेरी एक्ट। हाय हाय हाय, बड़ी बुरी आप, बिल्कुल मनोरमा की तरह।
रुको भैया रुको, फूड पॉइजन से बहुत सारे लोगों को एक साथ बीमार होते तो देखा है, किसी दुर्घटना में बहुत सारे लोगों को एक साथ घायल होते भी देखा है, लेकिन इतने सारे लोगों को दिल का दौरा पड़ते पहली बार देखा है। आखिर इसे बात कहाँ हो गई? कुछ नहीं यार, वो हीरोइन रवीना टंडन मोहरा फिल्म की, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। अच्छा, बस जो उसे देखता दिल पकड़ कर गिर जाता, इसलिए एक साथ इतने हार्ट अटैक आ गए। अरे गुलबानी साहब, या तो प्रेजेंट किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं क्या? बड़ी साईं, आप उनका औरत आजकल बड़ा नाराज रहता है, बात तक नहीं करता, उसी को पटाने के लिए लाया है। ये औरत लोग जो है ना, फोकट में मर्दों का पैसा खर्चा करवाता है लेकिन खुश रहती है। बैठिए बैठिए बैठिए। प्रेजेंट शीशा है, शीशा नहीं है। हेलो हेलो हेलो, ये क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट। प्रेजेंट? मेरा तो आज बर्थडे नहीं है। सोच लो कि है। ऐसी क्या खास बात हुई? एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। कहो ना। मैं और तुम्हारी बीबी के बारे में? हाँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हो? करीब? नहीं नहीं नहीं। देखो दिल्स, जो भी कहना है सच सच कहो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सच बोलने की आदत पर ही मरती हूँ। हाँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन झूठ कभी नहीं। मर गए। क्या? कुछ कुछ नहीं। अच्छा तो तुम कुछ बता रहे थे ना? नो, नहीं। कहो ना, कहो ना। वो बात यह है कि मेरी बीवी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसा क्यों? वो जल्द से जल्द डिवोर्स लेना चाहती है। बहुत बुरी बात है। और तुम तो जानती हो आजकल डिवोर्स लेना कितना मुश्किल काम है। मैंने तो अभी शादी नहीं की ना। आई नो, कम से कम दो वकीलों का घर बनवा कर रहेगी। अच्छा है ना? ये प्रेजेंट खोल कर नहीं देखोगे? अकेले में फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा प्रेजेंट मुझे कैसा लगा। ओके बाय बाय। तेरी दुनिया से ओके मुझे। Hi Dolly. Hello Riku. How are you? Fine. कहो कैसे आए? यहाँ तो सिर्फ दो ही चीजों के लिए आ सकते हैं, एक तो कसेट और एक तुम। फिलहाल तो मैं माइकल जैक्सन की लेटेस्ट कसेट के लिए आया हूँ। अच्छा? ये प्रेजेंट किसी को भेज रही हो क्या? नहीं, दिल से मुझे प्रेजेंट दिया है। शॉल? अच्छी है ना? हाँ। तुम्हें? क्यों? अरे बम्बई में कोई शॉल डालता है क्या? इतनी गर्मी होती है। नहीं, दिल ने सोचा होगा कि जब हम हिल स्टेशन जाएंगे ना, ये जरूर काम आएगा। ये तो ओल्ड फैशन की शॉल लग रही है, जरूर कोई सेल में से उठा के लाया है। ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो फिर मैं उनके वाइफ को ही प्रेजेंट भेज देती हूँ। हाँ, और साथ में एक पुराने गाने की कसेट भी भेज देना। अच्छा ठीक है, तुम कितने अच्छे हो रिको। थैंक यू। अभी जल्दी से भेज दो तो हाँ। खुश हो जाएगी। अच्छा, लेकिन दिल के घर का एड्रेस तो मेरे पास है ही नहीं। एक काम करो, हाँ। उसके क्लिनिक के एड्रेस भेज दो। बापू, डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, बिजनेस भी ठीक चल रहा है, अभी आप फिक्र ही मत कीजिए, अब आप बस आराम कीजिए। बापू, मिस्टर, मेरा बाप पिछले हार्ट अटैक का इलाज कराकर बाहर आ रहे थे, तुम लोगों की वजह से फिर हार्ट अटैक हो गया, मैं तुम पर केस कर दूंगा। देखिए, यहाँ का डॉक्टर मेरा दोस्त है, मैं उससे कहूंगा कि आपके पिताजी का इलाज फ्री करके दे देंगे। अरे फ्री इलाज से क्या होगा, मैं तुम पर केस कर दूंगा। देखिए, फ्री इलाज के अलावा मैं आपको 25,000 रुपए और दे दूंगा। अरे 25,000 से क्या होगा, मैं तुम पे केस करके ही रहूंगा।
ठीक है, मैं तुमको 50,000 रुपए दे दूंगा। अरे 50,000 से क्या होगा, मैं तुम पर केस कर दूंगा। ठीक है, मैं तुमको 1,00,000 रुपए दे दूंगा। अरे 1,00,000 रुपए से क्या होगा, मैं केस करके ही रहूंगा। अरे ले ले सोना, ले ले, 1,00,000 रुपए काम की वस्तु हो गए, ले ले। अच्छा ये ड्रामा था मुझे लूटने का। नहीं जनाब, हम बहुत शरीफ और इज्जत वाले आदमी हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। अब मैं तुम पर केस करके रहूंगा। नहीं जनाब, हम आपको 25,000 देंगे, हमें माफ कर दीजिए। अरे उसे क्या होता है, मैं तुम पर केस करके ही रहूंगा। अच्छा 50,000 देंगे। मैं तुम पर केस करके रहूंगा। अच्छा 1,00,000 रुपए देंगे। छोरा कहीं बोले आटे को हराम को मारे। ठीक है, संभल के बापू, संभल के, आराम से बस। ठीक है, इस हॉस्पिटल में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए 1,00,000 रुपए का चेक दे दीजिए। शांति बापू, शांति। ये चेक किसके नाम का लिख दूं? डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक। डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक। दिल का इलाज करवाया कैसा बापू? ये तो शुक्र मनाइए कि सस्ते में छूट गए, झंडे वाली गाड़ी है, हम अंदर करवा देते। डॉक्टर साहब से कहिएगा कि ये चेक हमने अपनी खुशी से दिया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहिए। आज मैंने इस क्लिनिक और इसके डॉक्टर दोनों का फायदा करवा दिया। दोनों का फायदा? इस क्लिनिक को 1,00,000 रुपए का डोनेशन दिलवा दिया और इसके डॉक्टर और आपके लिए एक पार्टी का इंतजाम करवा दिया। पार्टी? कैसी पार्टी? अच्छा अच्छा, खैर छोड़िए, इज अ लकी मैन। लेकिन अपना काम कब होगा? आपका काम? हाँ, हम सिर्फ 1 महीने के लिए अमेरिका गए थे तो वहाँ हमारी 1 गर्लफ्रेंड बनी, 2 महीने के लिए लंदन गए थे तो 2 गर्लफ्रेंड्स बनी, 3 महीने के लिए पेरिस गए थे तो 3 गर्लफ्रेंड्स बनी, और 4 महीने के लिए टोक्यो गए थे तो वहाँ 4 गर्लफ्रेंड्स बनी। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आपको भारत में आए हुए 4 साल हो गए। हाँ, और यहाँ एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। आज हमारे बंगले पर पार्टी है, सब अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आएंगे और मेरे साथ तो ये है ना आपका बॉडीगार्ड। हाँ बस यही तो है। खैर मैं चलता हूँ। मैं तो आप और डॉक्टर साहब को इनवाइट करने के लिए आया था। कहाँ है डॉक्टर साहब? अभी बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा, तो उनसे कहिएगा कि आज पार्टी में जरूर आए। ओके। और आप भी आइएगा। आई ट्राई। हाय, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, मिटाया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। खुदा हाफिज। थैंक यू। बाय बाय। बाय। यहाँ पे मिसेस दिलबाग कौन है? मिसेस दिलबाग? हाँ हाँ, क्या 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 आपके लिए पार्सल है। थैंक यू। प्लीज साइन हियर। थैंक यू। मिसेस दिलबाग फॉर यू, तुम्हारे लिए। ये शॉल तुमको किसने दिया? पार्सल में आया। हा? अच्छी लगती हूँ ना? तुमने वो शॉल वापस क्यों की? तो कैसी लग रही थी वो शॉल में? अच्छी लग रही थी। कौन? वही तुम्हारी दीदी। लेकिन मैं वो शॉल तुम्हारे लिए लाया था। तो ठीक है, तुमने मुझे दी थी, अब मेरी मर्जी है, मैं जिसे चाहे दे दूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से शादी के, मेरा मतलब है पार्टी के लिए तैयार हो जा। लेकिन एक शर्त। क्या? रिकू भी हमारे साथ चलेगा। रिकू? क्यों? ये बकवास, बेसुरी आवाज में कौन गा रहा है? बेसुरी? वो तो बहुत मशहूर सिंगर बनने वाला है। अच्छा ठीक है, वो हमारे साथ चलेगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वो होटल में अपना मुंह बंद रखेगा।
लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि डॉली मेरे साथ डांस करेगी, क्योंकि इसमें बोलने की जरूरत नहीं होती। मंजूर है। अरे तुम कौन होती मंजूर करने वाली? डॉली डांस नहीं करेगी। कमाल है, खुद को डांस करना नहीं आता तो दूसरों को तो करने दो। किसने कहा मुझे डांस करना नहीं आता? और वैसे भी मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। अच्छा आप डांस की प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको होटल पर मिलूंगा। ओके बाय। ओके ओके, कम ऑन डॉली, कम ऑन डॉली, लेट्स डांस। डॉली 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 डॉली, एंजॉय योर ड्रिंक, हैव सम मोर। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे, साकी जो पिलाएगा तो इतरा के पिएंगे। Cheers. Cheers. nice. You're looking very nice in this dress. I can buy you so many dresses like this. Pata hai, mere paas Swiss bank mein 100 crore hai. ओह, तो महबूब साहब पहले से यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अकेले नहीं। और किसके साथ है? एक औरत है। हाँ, कोमल। कीतल। कोमल। ओह, मेरी बीवी मेरे शॉल के साथ? नहीं, तुम्हारी बीवी किसी और के साथ। वो मेरा दोस्त है, दोस्त था। थैंक यू। दिल्स, तुम्हें अपनी बीबी को तलाक देनी चाहिए, वो अच्छी औरत नहीं है। उसने आपके दोस्त को भी नहीं छोड़ा। कम ऑन डार्लिंग, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? एक्सक्यूज मी। हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो डार्लिंग। क्या हुआ? रघु रघु, वो तुम्हारी कल वाली गर्लफ्रेंड है ना, आज किसी और के साथ है। माइंड योर लैंग्वेज, शी इज माय वाइफ। वाइफ? तो फिर ये कौन है? गर्लफ्रेंड। क्या सिचुएशन है? पति पत्नी और वो, पत्नी पति और ये तुम्हारे में। हेलो, बार बार आवाज क्यों बदल रही हो? हेलो। तो आप आ गए। हम उनमें से नहीं जो वादा करके नहीं आते। लेकिन आपने बात ना करने का वादा जरूर किया था। ठीक है, लेकिन डांस तो आई विल। कम ऑन टिकू, लेट्स डांस, कैच। कम ऑन। अटैक 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 इसको ही कहते हैं आंख मटक्का। अटैक 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 अटैक। रोज याद करता हूँ पहले पहले किसको, आप कभी मिलते हैं कह दिया किसको। हाय हाय करता है देखता हूँ जिसको, दिल का हूँ डॉक्टर दौरा पड़ा किसको। दीवानों की महफिल रंग जमे तगड़ा, लड़ गई अखियाँ हो गए झगड़ा। किसको जो अड़ गया पड़ गया लपड़ा, इश्क में खाना पड़ा हाथ बड़ा तगड़ा। अटैक 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 अटैक। We'll be right back.
चुराता है चोर बड़ा पक्का, इसको ही कहते हैं आंख मटक का। जल्दी लाओ उसको, दिल दिया जिसको अब तक भूला नहीं प्यारी प्यारी मिसको। क्या करती हूँ पहली पहली किसको, और कोई मांगता है कहती हूँ किसको। तेरा मेरा डांस है तेरा मेरा रास्ता, टूट गई कमर मेरी हाल हुआ खस्ता। उल्टा सीधा नाचती है कहती है जिसको, डांस में रोमांस करे चूमती है उसको, हाय हाय करता है देखता हूँ जिसको, दिल का हूँ डॉक्टर दौरा बड़ा किसको। अटक 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 अटक। दोस्तों अब यहाँ से मेरे घर पार्टी, आइए तशरीफ लाइए। समझ प्यार टाइफॉइड है।
वाले यूं ही पकते रह जाएंगे, प्यार से हम चिड़िया लेके उड़ जाएंगे। तू चिड़ी मार तो मैं बाज बन आऊंगा, छीन लूंगा मैं चिड़ी तुझको खा जाऊंगा। तुझको हम महफिल में चोट दे जाएंगे, बीच में फिल से हड्डी फूल ले जाएंगे। झूठा तेरे प्यार का फीवर सर पे फोड़ू थर्मोमीटर, झूठा तेरे प्यार का फीवर सर पे फोड़ू थर्मोमीटर। संभल जा तू मेरे गुस्से का शिकार हो गया। चिकियो चिकियो चिकी चिकी चिकियो, चिकियो चिकियो चिकी चिकी चिकियो, चिकियो चिकियो चिकी चिकी चिकियो। जान ले सारा जगत मैं तो हूँ इसका भगत, छोड़िए छीन झपट छोड़िए छल कपट। अनमत इसके निकट पीछे हट पीछे को हट, मुझको सुलझाने दे लट ना लगा हाथ पलट। कुकुरी राजी है तू बड़ा बाजी है, मैं तो हूँ लव का दूत तू है सिर्फ एक भूत। मैं बम तो गिल्ली डंडा मैं तू गिल्ली, जा जा ऐसे न मटक तू भी ऐसे न लचक। मैं तो दिल है लेना क्या 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 की कहना, मिक 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 हट चिक 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 धट हट और धट अरे हट अरे धट ना। चक दे ओ चक दे ओ चक 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 दे ओ, टप दे ओ टप दे ओ टप 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 दे ओ। कंट्रोल योर सेल्फ कंट्रोल। ये लो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ड्यूटी पर लेट हो गई क्या? नहीं, पूछना चाहता हूँ कि ड्यूटी पर आई हो या इस्तीफा देने? वो तो मैं शादी के बाद दे दूंगी, फिलहाल तो मैं ड्यूटी करने आई हूँ। पार्टी की ड्रेस में? हाँ वो क्या है, ड्रेस चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला, सीधी पार्टी से चली आ रही हूँ ना। पार्टी से तो तुम बहुत पहले निकल गई थी। हाँ उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ में मजा नहीं आ रहा, चलो कोई एकांत में चलते हैं। जानते हो हम दोनों ने अकेले में क्या क्या किया? मैं नहीं जाना चाहता। Control yourself, control. क्या क्या किया? हम पार्टी से निकलकर समुद्र के किनारे गए। उफ, क्या ठंडी ठंडी रेत थी। फिर जानते हो हमने क्या किया? रेत पर घूमे होंगे और क्या किया? ये तो बूढ़े लोग करते हैं। हम तो रेत पर बैठ गए। ठंडी ठंडी रेत पर? रेत ठंडी हुई तो क्या हुआ, लेकिन हमारे जिस्म तो अंदर ही अंदर हीटर की तरह थधक रहे थे। फिर जानते हो हमने क्या किया? मुझे जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। क्या क्या किया? No, I can't take it. I can't take it. Oh, ये पंखा मेरे बाल ले लेगा। पंखा बंद है। पंखा बंद है? हाँ चल रहा है। फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों लेट गए। पास पास? Naturally. उस छोटे से शॉल पर हम दोनों पास पास ही लेट सकते थे ना? क्या? तुम दोनों मेरे दिए हुए शॉल पर लेट गए थे? वहाँ कुछ था भी नहीं बिछाने के लिए। Oh, I don't believe this. I don't believe this. This is too bad. Oh, doctor, I love your friend Mehboob Saleh so much. Stop it! Stop it! मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसी निकलोगी। और मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही। तुम्हारी नजरों में दुनिया की हर लड़की थी और मैं सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट और एक नर्स। क्या करता कोमल, मेरी जिंदगी में डॉली थी। सिर्फ जिंदगी में, दिल में नहीं। अगर दिल में होती तो तुम किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। सच तो ये है कि डॉली तुमसे प्यार ही नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी शख्सियत से इम्प्रेस्ड है, डॉक्टर दिलबाग सिंह। नो नो नो, आई वांट टू डाई, आई वांट टू, दिस इज टू मच, व्हाट शल आई डू? ओह डॉली, ओह व्हाट अ लाइफ। उल्टा लेटने से भी कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, I love you दिल। मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। डॉली को मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। दिल्स, सचमुच तुम्हारी बीवी होने के लायक नहीं है। कहा
कहां तुम्हारे जैसा सच्चा आदमी जिसने अपने बीवी के बारे में सब कुछ बता दिया, और कहां तुम्हारी बीवी? आई लव यू दिल्स, आई लव यू। ऐसी कशिश है कि मैं यहाँ खींचे चली आई। दिल से निकली हर आवाज में कशिश होती है, मगर दिल की आवाज को सिर्फ कोई प्यार भरा दिल ही सुन सकता है। दिल की बातें आप क्या जानेंगी मिसेस दिलबाग? आपके लिए तो दिल का लेना देना रोज का खेल है। इस रोज के खेल में मेरे दिल की जो हालत हुई है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती हो डॉली। फिलहाल मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। जो भी कहना है आप यही कहिए। मैं मिसेस दिलबाग नहीं हूँ। ओ, तो तलाक हो गया? तलाक? तलाक तो तब होता जब शादी हुई होती। उन्होंने तुमसे झूठ कहा, डॉक्टर दिलबाग की शादी नहीं हुई। झूठ कहा था? हाँ, और इस झूठ को सच साबित करने के लिए मैं उनके कहने पर उनकी झूठी बीवी बनकर तुमसे मिली। इसलिए अब तलाक की कोई जरूरत नहीं, तुम उनसे शादी कर लो। हिजलायो। डॉली मेरी बात तो सुनो। डॉली, मेरी बीवी ने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। कौन है? तलाक? बीवी? डॉक्टर साहब, अभी झूठ को बोलने का कोई फायदा नहीं। आपने बहुत दिलों के ऑपरेशन किए होंगे, लेकिन आप आज जाकर अपने दिल का ऑपरेशन करके डॉली नाम का लफ्ज निकालकर फेंक दीजिए। डॉली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सच जो तुम्हारी झूठ का जवाब है। वाह, क्या नाटक! व्हाट एन एक्टर! टू हेल विद एन एक्टर! दफा हो जाना से, गेट आउट 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 आउट। ये फ्लैट तुम्हारे बाप का है, मैं यही खड़ा होकर पूरा तमाशा अंत तक देखूंगा। हां, तुम्हें नाटक क्या ये? मेरी बात तो सुनो। सुनो कुछ और, झूठ सुनो। नहीं नहीं, ये दिल के डॉक्टर है, ये कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा मत को डॉली, मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा, छोड़ो यार। दिल के डॉक्टर को दिल का दौरा? क्यों, दिल के डॉक्टर इंसान नहीं होते? डॉली, अब तक तो सब कुछ सुना, तुम्हारी हर बात मानकर तुमसे बेहद मोहब्बत की, तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहा, तुम्हें देवता माना, और अब तुम मुझसे ये कहने को आए हो कि ये सब झूठ है ताकि तुम मुझसे छुटकारा पा लो। अब मेरे लिए जीना ही बेकार है। डॉली, कहाँ जा रही हो? पिछले साल भी एक लड़की ऐसे टेरेस की ओर भागी थी और उसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड? नहीं डॉली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। डॉली, 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 डॉली रुक जा, मैं थक गया। डॉली, डॉली कितने फ्लोर चढ़ोगी? ओ!
डॉली को दिल की बात समझने में इतनी देर लगी क्योंकि आज तक मैं टोपियों और
गोपियों के चक्कर में था। मेरी पूरी जिंदगी एक बनावटी जिंदगी थी और इस बनावटीपन का कारण था मेरे सर पर यह सदियों पुराना बोझ। आज मैं इस बोझ से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, आजाद हो जाना चाहता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। यही तो मैं सोच रही थी, सर पे इतना सारा बोझ लेके क्यों घूम रहे हैं आप? यू लुक वेरी नाइस इवन विदाउट इट। रियली आई लव यू। I'm so happy, कोमल। पीछे आ गए। चार? नहीं नहीं, इनमें से एक अपना है, बता दो कौन सा वाला। Father on test? difficult. This one. Sister. No, no, mother. Oh, no, my son. Doctor, doctor.